नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एचबीएन न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें नॉन स्टॉप। अमेरिका ने किया WHO से हटने का ऐलान, ट्रंप बोले पाकिस्तान में कोरोना के 64,000 से अधिक मामले, 1,317 मरीजों की मौत। अमेरिका के मिनियापोलिस में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत को लेकर कई शहरों में विरोध प्रदर्शन। देश भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,65,799, अब तक 4,706 लोगों की मौत। भारत के बाद चीन ने भी ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश ठुकराई, कहा थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं, दोनों देश विवाद सुलझाने में सक्षम। अमेरिका ने सुरक्षा के मद्देनजर कुछ चीनी नागरिकों की एंट्री बैन की। डेनमार्क में बना कोरोना का टेस्ट करने वाला दुनिया का पहला रोबोट, खुद ही कर लेगा स्वाब टेस्ट। पाकिस्तान में क्रैश हुए प्लेन के मलबे से दो बैग में 3 करोड़ की करेंसी मिली, जांच अधिकारी का सवाल, इतनी बड़ी रकम एयरपोर्ट पर क्यों नहीं पकड़ी गई। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महाथिर को समर्थकों संघ पार्टी से बाहर निकाला गया, संसद सत्र में विपक्षियों के साथ बैठे थे। एक समाचार पत्र के अनुसार चाकर खाने के मुकाबले टेक आउट और होम डिलीवरी में वायरस का खतरा कम।